देवबंदियों के बाबे अपने नाम के कलमे पढ़वाते हैं। फिर हमने क्या कहा? बाबा तो शाही कोई नहीं। चलो भाई, मैं बहुत हैरान होता हूं उसकी वजह मैं ही हूं, ऐसे बंदों पर जो आकर किसी आलम दीन को कहे जी इंजीनियर साहब यूं कह रहे थे। मेरे को विश्वास थे कलब देने कि मैं ना मंजी ठोक देती है। भाई हमने स्ट्रक्चर बनवाना है नहीं, हमने थली बनवानी है नहीं, हमने सड़क बनवानी है नहीं, हमने किसी घर का नक्शा बनवाना है नहीं, या दीन का मसला पूछना है? जा पूछ क्या। पूछना दीन का मसला है तो उलमा के पास आए। ठीक है जी। इमारत बनवानी है तो इंजीनियर के पास जाए। क्या बोला तूने? ये तो इंजीनियर के पास जाए। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। अच्छा जब हम ये बात करें तो लोग कहते हैं मौलवियों की मीरास है इल्म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज आप ये पहले वीडियो मुकम्मल देखें, फिर इसके बारे में कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उससे पहले आप ये वीडियो देखें ताकि जो मैं बात आपसे करूँ वो बात आपको समझ आ सके। तो वीडियो को आप पहले मुकम्मल ज़रूर देखें। अच्छा जब हम ये बात करें तो लोग कहते हैं मौलवियों की मीरास है इल्म। आय हाय हाय पक्की इल्म कोई मौलवियों की मीरास है, कोई और नहीं पढ़ सकता। आयो ना धाड़ थले तरा निकले ना थोड़ा। पढ़ सकता है? किसने कहा नहीं पढ़ सकता? कोई इंजीनियर साहब हो साथ आलिम साहब भी हो सर आंखों पर। जो डिग्री दी गल करे ना कोई देवबंदी तो उनको हाँ इसीलिए मैं डॉक्टर तालुक आदरी साहब को फॉलो करता हूँ, तो सीधे ही देखो उल्टी करेगा उस टाइम, कहेगा होते गुमराह। और अगर कोई बरेलवी बात कर रहा हूं ना डिग्री की तो आपके मैं इसलिए तारे जमीर साहब को फॉलो करता हूं, कहेगा होते आई गुमराह। टोटल तुहाड़ी कुत्ते दी औकात तुहाड़ी डिग्री दी नहीं जे बचदी। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बंदा जस्ट इंजीनियर विदाउट आलिम हो, आप मुझे बताएं उसकी बात आलिम के मुकाबले में क्या हुज्जत है? हाय 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 कितने तुहानू सुटे तुहाड़ी चीखां निकलनियां चाहीदियां ने। आज लोग समझते हैं कि वो इंजीनियर साहब जो हैं वो सामने किताबें रख के मसला बताते हैं। जो बंदा उनकी चैनल पे जाके बातों को सुने सबसे पहले एक क्लिप वो जरूर सुनता है। वो कहते हैं ना मैं भाभी, ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबें। वो कहते हैं मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शेर कोई नहीं। वो कहते हैं बहुत बुरा वक्त आया जे मौलवियां दे उते, इस तू पैड़ा वक्त कदे फिर क्या ने वेख्या ही नहीं सी। वो कहते हैं मौलवी दा काम विछवड़ना है और मेरा काम है उन्हें पकड़ के बाहर करना है। देवबंदियों ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया सरकार, तो यही तो बात मैं भी कर रहा हूँ। सादे बंदे खाब खाब है। नहीं जनाब उसके आगे लिखा है मैं बिदारी में भी पढ़ रहा हूँ। कहते नहीं जागते वक्त भी वो कह पढ़ रहा था। मैंने कहा आगे पढ़ो, वो कह रहा था बे अख्तियार है हजरत। हम उस बेचारे को तो कह कुछ नहीं रहे, हम बाबी को नहीं कह रहे बाबे को कह रहे हैं। आप में से किसी को खत लिखे कि हजरत मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूँ तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? तौबा करो। उसने जवाब में श्री थानवी ने कहा कि इस वाक्य में तसल्ली थी, तेरा पीर सुन्नत पे है इसलिए तूने पीर के नाम का कलमा पढ़ा। हेलो सामोन। और हमारा नौजवान जो सिर्फ यूट्यूबर है बस, उसे कोई नहीं पता दीन के, उसने फजाइल अमाल के दो सफे भी नहीं पढ़े होंगे। बाकी हदीस तो दूर रही, उर्दू की हदीस की किताब का नाम ले रहा हूं, उर्दू की हदीस की किताब दो सफे भी नहीं पढ़े होंगे। अच्छा हाँ आप उधर आ जाए, हाँ उधर आ जाए सरकार, रुक जाओ रुको जरा सबर करो। फजाइल अमाल काफरों को नहीं आप मुसलमानों को भी नहीं आप पेश कर सकते, वो भी इंजीनियरिंग कर देंगे आपकी पकड़ के। एक टांग पे 15 सपारे और दूसरे पे 15 बगले बने सर। वैसे आपको कहते हैं कि जी वो दाएं पांव का अंगूठा हिल जाए तो नमाज टूट जाती है, तो जब वो दाएं पांव पूरा उठाते होंगे। हाय 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 कितने दुआ गया। किसी इंजीनियर का एक चेला एक दिन मुझे गुफ्तगू में बात आ गई, मेरे पास आ गए। साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे पूरे ग्रांड नथ पाई है, हाँ पूरे पूरे शहर ही जाग लाई हुई है। आगे मैंने कहा जी आ जाए। आ गए वो। मौलाना एक बात कहूं, मैंने कहा बड़े शौक से, हजरत मुआविया के दौर में मिंबरों पर हजरत अली को गालियां दी जाती थी। मैंने कहा अच्छा गालियां दी जाती थी, तो नहीं पता? कहते जी हाँ। मैंने कहा ये तुझे पता चला है? हजरत अलीजुल मुर्तजा के बेटे इमाम हसन को पता नहीं चला था जिसने सुलह की है? उसे नहीं पता था? रुको जरा हम ही बता देते हैं। झूठो तुमने आधी हदीस बुखारी से बयान की मेरा ये बेटा सैयद है,
उसके स्टार्ट में लिखा था इमाम हसन 40,000 का लश्कर लेके मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने गए। हजरत अली की रूह ने नहीं लश्कर निकाला हुआ था, इमाम हसन लीड कर रहे थे। सुलह की आफर उधर से हुई थी और सूरतुल अनफाल में है कि काफर भी सुलह आफर करें जंग में तो आपने कबूल करनी है। ये सुलह अगर हजरत अली को हजरत मुआविया आफर करते तो वो भी कबूल कर ले। इनकी क्यामत तक नस्लों के कानों से धुआं निकलेगा जो मैंने सुलह हसन के हवाले से इन्होंने धोखे दिए हुए थे। कैसी लगी आगे स्वाद? अच्छा चलो दूसरी बात। चलो चलो चलो, कौन सी गाली थी जरा वो गाली लिखकर भेजो मुझे, गाली तो लिखकर बता दो। बेवकूफ, पागल, बदतमीज, गधा। उसने सर पांव का जोर लगाया, एक गाली साबित न कर सका। झूठ बोल रहा है। हम कहते हैं आजा आजा, रुको जरा, सबर करो। ये देखो, उनको मैंने चैलेंज दिया था कि तुम मुबाले वाली हदीस बयान कर दो पूरी मुस्लिम शरीफ से 6220। क्यामत तक अपने मेंबर से तुम वो हदीस बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मामू का वो दिफा कर रहे हैं ना, उस हदीस में उस मामू का जिक्र है, उसने साद इब्न अबी वकास को मजबूर किया कि हजरत अली पे सब वो शतम करवाए। नहीं जी, वो सब का तर्जमा जो है ना तनकीद होता है, आपको पता नहीं सरकार, हमें पता है, हमारे इमाम ने हमें पहले ही बता दिया था। क्या कि इंजीनियर साहब एक कहानी पाण गए 6220 दे होते ते तुसी कहना अगली हदीस पढ़ लो 6229 लान अल्लाह हु अबद तुराब। गाली छोटा लफ्ज है, लानत के अल्फाज मौजूद है। हां भाई आगे स्वाद। जब मैंने इस तरह के क्लिप्स इस इंजीनियर के खिलाफ बनाने और बात करने और यूं चैलेंज से गुफ्तगु करना शुरू की तो मुझसे इन्होंने राब्ता किया। अच्छा, बंदे दरमियान में डाल के। ठीक है कि मुफ्ती साहब आप तो बहुत ठीक बात करते थे, आप तो बहुत अच्छी बातें सुनाते थे, आपको क्या हो गया? फिर चूट पे मार रहे हैं। मुझे एक इंजीनियर के चेले ने कहा उसके 1 मिलियन आदमी सुनते हैं। फिर चूट पे मार रहे हैं। मैंने कहा फेसबुक पर मेरे 1 मिलियन के ऊपर 2 लाख हो चुके हैं, मुझे भी सुनते हैं। अच्छा तो 1 मिलियन कहता है तो भाई हमें भी तो 1 मिलियन बंदा सुनता है। मौलाना इस पगड़ी और दाढ़ी और इस उम्र में अहले हक के अंदर मेरी उम्र में आप मुझे एक बंदा दिखाएं जिसके 1 मिलियन फॉलोअर से अभाव हो। इस पगड़ी और दाढ़ी और इस उम्र में अहले हक के अंदर मेरी उम्र में आप मुझे एक बंदा दिखाएं जिसके 1 मिलियन फॉलोअर से अभाव हो। हम तो सिर्फ इतने अर्ज करेंगे, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हाँ तो दोस्तों, आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली है। इस वीडियो के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज अगर एक आम बंदा एक मुफ्ती से मसला पूछता है और मुफ्ती उसे मसला बताने में कहीं कमी छोड़ देता है और फिर वही आम आदमी एक इंजीनियर के पास जाता है और उससे मसला पूछता है, फिर वो मसले पर मुतमिन हो जाता है, तो क्या वो फिर दूसरे मसले के लिए किसी मुफ्ती के पास जाएगा? हरगिज़ नहीं। आज के दौर में आपने देखा होगा कि हर बंदा अकल रखता है, इल्म रखता है, शऊर रखता है इस बात का कि यार एक बार किसी ने अगर मुझे सही बात नहीं बताई या सही बात बताने में अगर उसने मुझे मुतमिन नहीं किया तो बार बार उसके पास जाने का फ़ायदा ही नहीं। इसीलिए वो चाहते हैं कि अब हमें दीन वो बंदा बताए जो दीनदार ना हो, कोई आम बंदा हो तो हम उससे सुन लेंगे, लेकिन दीनदार बंदे से दीन सुनना आम बंदे जो मुतनफ़िर हो गए हैं वो पसंद ही नहीं करते। तो अगर एक बार किसी मुफ्ती ने सही मसला नहीं बताया तो आम बंदे जितने भी हैं, चाहे मैं हूँ आप हों, फिर उसके बाद उसके पास नहीं जाते। यहाँ बात होती है उन लोगों की जो अकल रखते हैं और शऊर रखते हैं और हर एक इंसान से अच्छी बात को सुनना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को ये बात समझाने के लिए थी कि दीन के दाई से मसला हर बंदा पूछना चाहता है, लेकिन हमें दीन के जो दाई हैं, फिरकों के जो उलमा हैं, वो मुतमिन नहीं कर पाते, इसीलिए इंजीनियर के पास जाना पड़ता है, सवाल करना पड़ता है, उनकी वीडियो देखनी पड़ती हैं, उसके बाद हम मुतमिन हो जाते हैं और उसके बाद हम उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले पैगाम के साथ। आज का पैगाम इतना ही था।